मैया यशोदा ने भगवान को दूध पिलाया। इतने में क्या हुआ कि उधर बरोसी में दूध गर्म हो रहा था और वो दूध जब उफना तो एकदम खुशबू आई उफनने की। तो मैया ने हड़बड़ाहट में क्या किया, लाला को जल्दी से फेंका और दूध को बचाने चली गई। जब बचाने चली गई दूध को, तो लाला को बड़ा बुरा लगा कि हमारी कीमत या दूध के बराबर ना बताओ, दूध के चक्कर में हमें इतनी बुरी तरह फेंके गए। तो भगवान ने सोचिए ये मैया को दूध ही देखना है। इधर जब मंथन कर रही थी ना भाई, छोड़ गई और दूध बचाए भी चली गई। तो जो मंथन कर रही काई वह मटका है छोड़ गई, वह चलावनी है छोड़ गई। सो लाला ने देखी कि लाजी उधर बचावी गई है, इधर में जाको हो। भगवान को छोड़ करके जब सांसारिक पदार्थों को हम बचाने की कोशिश करेंगे तो तुम एक तरफ बचाओगे दूसरी तरफ बिगड़ जाएगा। तो भगवान ने पच्चलामनी में एक दयो खेच के बटना और धाड़ से वो फूट गया और पूरे आंगन में, माताओं से पूछ रहा हूं क्या फैल गया, का फैल गो
कछु दही कह रही हैं, कछु मठा कह रही हैं, और दोनों ही झूठो हैं। हाँ, आधा फेरा कहो, घोड़ुआ कहो, है पूरे आंगन में फैल गो। अब मैया उधर से आई तो देखो पूरे आंगन में बड़ा गुस्सा आया। एक लौद उठाई और लाला के पीछे, आगे आगे लाला, पीछे पीछे मैया, आगे आगे लाला, पीछे पीछे मैया। ये मैया है ना, ये किसको पकड़ने चली है? जो ब्रह्म बड़े बड़े यतियों के, योगियों के ध्यान में नहीं आता, उसे अपनी लौद के बल पे पकड़ने के लिए चली है, है? भागते भागते थक गई, लकड़ी फेंक दी, बैठ गई। तब फिर भगवान स्वयं लौट के आए, क्योंकि भगवान तो चाहता ही है कि मैं उसके हाथ में आना चाहता हूं जो अपने साधन त्याग दे, अपना अहंकार त्याग दे और मेरे भरोसे बैठ जाए, तो फिर मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा, उसे ढूंढते ढूंढते मैं आऊंगा। लेकिन ये गलती कर रही थी, ये अपनी लकड़िया के बल पे भगवान को पाना चाह रही थी। कौन है ये परमात्मा? उपनिषद कहती हैं, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थः। वेदांत के द्वारा जिस ब्रह्म को सिद्ध किया जाता है, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थः संन्यास योगाद यतः शुद्ध सत्वः। यतः अथवा कह ब्रह्म ऋषयः, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, योग ऋषि अपना अंतःकरण को शुद्ध करते हैं संन्यास योग के द्वारा। ते ब्रह्म लोकेषु परांत काले परामृतः परिमुच्यन्ते सर्वे। उस ब्रह्म को लकड़ी के बल पे पकड़ना चाह रही थी, यही तो गड़बड़ है। ऐसा नहीं है कि भगवान हाथ में आता नहीं है, आता है, लेकिन उसे पकड़ने का तरीका कुछ अलग है। वो तो पीछे पीछे घूमता है। एक एक गोपी तो मैया यशोदा के पास शिकायत करवी गई, हेरी यशोदा कि तेरो ये कन्हैया मेरे पीछे पीछे डोलता रहता है और मैं बड़ी परेशान हूं। और ये कोई सामान्य नहीं है, वंशी विभूषित करार नवनीर दाभात पीतांबरा दरुण बिंब फला धरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। उपनिषद तो कहती है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। न वो वाणी का विषय है, न मन का विषय है, मनसा सह वाचः, यतो वाचो निवर्तन्ते, वहां तक पहुंचते ही नहीं है, लौट आते हैं। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कदाचनेति तस्यैष एव शारीर आत्मा यह पूर्वस्य। उपनिषद कहती हैं कि ये जो परमात्मा है ना,
ये आनंद स्वरूप है, सत स्वरूप है, चित स्वरूप है। अब यशोदा है ना, उसके पास गोपियां शिकायत करने आई हैं। सुन री जसोदा मैया तेरो ये कन्हैया मेरे आगे पीछे डोले, आगे पीछे डोले मोते मीठो मीठो बोले। सुन री जसोदा मैया तेरो ये कन्हैया मेरे आगे पीछे डोले, आगे पीछे डोले मोते मीठो मीठो बोले। आगे पीछे डोले मोते मीठो मीठो बोले। गोपी गीत में
गोपी गीत में गोपियां कहती हैं कि ये इतना मीठा बोलता है, इतना मीठा बोलता है कि मिश्री भी फैल, शहद भी, गुड़ भी, रवा, रवा माने सूजी नहीं, हाँ, गुड़ को रवा, कहूं रवा कहते हैं, कहूं रब्बी कहते हैं ना, हाँ, बोले ये सब फैल हैं गोपी गीत में। ई मधुर या गिरा मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बोधमनोज्ञया। ए मैया, कथा के समय बच्चा मत खिलाओ, जग तो जिंदगी पर ये खिलाए है ना। हमने कहा हमारी सुन ले भैया, तुम्हारे क्षेत्र में बड़ी फरमाइश है कि गुरुजी बा कथाएं जरूर कह दियो, जा कथाएं जरूर कह दियो, अब यूं बताओ जा चार घंटा में का ठूस दूं तुम्हारे दिमाग में है? तो पहली बेर में तो नेक हरे ही लगेंगे खेत में है, अगली बार कछु और, अगली बार कछु और, है ना। लेकिन मैं फिर भी एक कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ बात थोड़ी सी उससे मिलती जुलती आ गई। भगवान का जो स्वरूप है अणोर अणियान महतो महियान, वो बड़े से बड़ा है और छोटे से छोटा है। जो कोई बड़ो बंत होए बाके लिए तो बहुत बड़ो है, और जो भक्त हो बाकी लिए बहुत छोटा है, हैं? काउ के तो पीछे पीछे आ रहे आगे पीछे डोले मोते मीठो मीठो बोले, और किसी के लिए वो इतना विकराल रूप धारण करता है, हैं? इन दोनों का उदाहरण देता हूं एक छोटा सा। जिस समय शांति दूत बनकर के भगवान श्री कृष्ण आए थे ना, उस समय बांधने की कोशिश करी थी दुर्योधन ने। दुर्योधन ने कहा कि एक वाले तू गैयों के पीछे हुर हुर करता फिरता है, तो दूत न रहा होता ना। इतना कह के चुप हो गया। भगवान ने कहा कि यदि मैं दूत न रहा होता तो तू क्या कर लेता? बोले बताऊं? बोले मैं भी यही पूछना चाहता हूं कि तू थोड़ा सा बता दे। अब जैसे ही दुर्योधन ने यह कहा, कि मैं बताऊं क्या कर लेता, भगवान ने कहा बता, तो दुर्योधन ने कहा अपने सैनिकों से बांध लो इस ग्वाले को, और जैसे सैनिक भाले लेकर के भगवान की ओर बढ़े, भगवान ने अपना विकराल रूप दिखाया। भगवान ने कहा ए दुर्योधन, तू, तेरे बाप दादे, तेरे सैनिक, तेरी सेना, तेरे रथी महारथी सब आ जाए, मेरे को तो क्या, मेरा एक बाल भी बांध के दिखा दे, मैं तेरा गुलाम हो जाऊंगा। बस बोला
फैला उन पे सहन नहीं हो रहा था। पीछे हटने लगे सैनिक, भगवान हुंकार भरने लगे, दुर्योधन साध मुदे, आ आ दुर्योधन साध मुदे, यदि दम है तो दुर्योधन बाध मुझे। भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित हो कर बोले, जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, आ आ दुर्योधन बाध मुझे। पितामह भीष्म हाथ जोड़े खड़े थे, विदुर जी हाथ जोड़े खड़े थे, दुर्योधन के पैरों तले से जमीन निकल गई। विदुर जी कह रहे थे इस नादान को क्षमा करो। भगवान ने कहा इसके बाप दादाओं के पास में भी इतनी बड़ी जंजीर नहीं है मुझे बांध सके, क्योंकि मैं तो पाताल से लेकर के आकाश तक मुझे बांधे का ये। महाराज धृतराष्ट्र इस नादान को समझाओ, इसको जरा समझाओ कि ये एक लाठी से सबको नहा के, तो बड़े तो इतने हैं भगवान और छोटे कितने हैं, छोटे कितने हैं, छोटे इतने हैं क्या घर घर माखन मांगते फिर रहे हैं, गोबर की हेल उठवा रहे हैं, जसोदा की उखल से बंधे हैं रस्सी में, और छोटे कितने हैं। ये तो ग्रंथ की, अब मैं ताजा ताजा कुछ दिन पहले की घटना आपको बताऊं। एक जज बाबा थे, जज बाबा वृंदावन में घूमते थे, उनका नाम था जज बाबा। किसी ने कहा भाई ये दोनों बातें तो जम रही नहीं, कहां बाबा और कहां जज। तब एक व्यक्ति ने उनका परिचय बताया कि ये पहले जज थे, लेकिन जब ये जज थे और इनके जीवन में कुछ भगवान की ऐसी कृपा वही कि तब से ये बाबा हो गए हैं। बोले क्या हुआ था, पूरी बात ये थी कि एक जो है बड़ा गरीब केवट था, उस केवट की लड़की की शादी में उस केवट ने एक मुनीम से लिया था कर्जा। कर्जा फिर जब चुकाया तो मुनीम ने जो पर्ची दी कि लो भैया हमारा तुम्हारा हिसाब किताब बराबर। केवट बोले भैया हमारी तुम्हारी रेंट पेंट अब पुरखने के जमाने की है, काय को हम अविश्वास थोड़ रही है, कोई तुम पे कोई शंका थोड़ रही है, मौका जरूरत है। सो पर्ची वहीं छोड़ दी, लेकिन बाकी दिमाग में थोड़ी सी बेईमानी, सुबह उठा के पर्ची धर ली। और पहले जमाने में क्या गांव में ही कोर्ट कचहरी लगती, 8 दिना में 1 दिना 15 दिना, तो कोर्ट कचहरी लगी। सुबह में पैसा वाले साहूकार ने और केस कद के मोपे थे जिनने जो है इतने रुपया ले और फिर वापस ना दे। अब वाक्य घर बुलावो गयो, सिपाही गयो कि ऐसे ऐसे तुमको कचहरी में बुलाया है। अब केवट विचार, अच्छा बान का करो, वो बचपन से ही भगवान को भक्त तो, और वो कहते तो, मेरे तो रघुनाथ जी हैं, जो कोई कोई बात करे बोले रघुनाथ जी करेंगे। ब्याह करेबे के बाद भगवान घर छोड़ दो, मंदिर पर रहने लगो, मंदिर पर रहने लगो।
अब वो जो कचहरी में बुलाया कि मैंने ऐसा कौन सा भैया गलत काम करे उसे मैं कचहरी में बुलाया, बोले वहीं जाके पता चलेगा। वहां फिर जज ने पूछा, साहब आपने इनसे जो है उधार पैसे लिए थे बच्ची की शादी में? बोले लिए थे साहब। बोले फिर आपने वापस दिए? बोले दिए थे साहब। तो बोले इनने कोई तुम पे सबूत है? बोले हमारा तो साहब बाप पुरखन के जमाने को ताल मेलो, हमने कुछ पर्ची फर्ची लई दे तो रहे जे सेठ जी, पर मैंने लई ना ही। बोले तो ऐसे थोड़ी केस माना जाएगा, तुम पे कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह? बोले मैं तो दुनिया में कोई गवाह ना है, रघुनाथ जी वाले ही मेरे तो गवाह है। अब जज ने समझी कि रघुनाथ जी कोई आदमी है, तो जज बोलो ठीक है, तो अगले सप्ताह में फिर कचहरी लगेगी, रघुनाथ जी को बुला के ले आना, ठीक है। अब चले गो बहन, कहीं जिक्का में आफत लग गई, जाके मंदिर में रघुनाथ जी के सामने रोयो के ठाकुर जी अब मेरो जीवन तो आपको समर्पित है, मोरे तुम प्रभु गुरु पितो माता, जाऊं कहां तज पद जल जाता, मैं तो तुम्हारी शरण में हूं, और जी मैंने तो विश्वास करो विश्वास के बदले जी ऐसो। अच्छा इधर क्या हुआ, कानून की कार्रवाई के तहत जो है गवाह के यहां सम्मन भेजोगे रघुनाथ जी के नाम दे, वो गांव में पूरे में घूमे, बोले भैया कोई रघुनाथ जी नाम को आदमी? बोले ना है। तो एक आदमी ने कही भाई रघुनाथ जी नाम को आदमी तो ना है पर मंदिर है। तो सिपाही बोले मो तो कंटी काटनी है, मो तो मैं दिया हूं। तो मंदिर में चले गए, पुजारी तो जाके बोलो साहब रघुनाथ जी के नाम से सम्मन है। पुजारी जी बोले कि भोग लगा मत भाई दुनिया देखी, अब तक ठाकुर जी के लिए कपड़ा आते थे भोग आता था सामान आता है, पर जिंदगी में पहली बार सम्मन आया, और वो भी गवाह के रूप में। बाने साहब चिट्ठी ले ली, पुजारी ने साइन कर दे, बोले कोई बात नहीं ठाकुर जी के चरणों में दद दई, और वह हम पढ़ी तो बागो वह केवट को नाम। अब जो केवट था ना वो तो रो रो के 7 दिन बस यही कहता रहा कि ठाकुर जी बुढ़ापो मेरो क्यों बिगाड़ रहे हो, मैं पूरी जिंदगी में आज तक मैं एक दाग ना मुंह पे, और यदि मैं जा दाग लेके मरे हो तो न मैं चैन से मर पाऊंगा और न जी पाऊंगा, मेरे संग ऐसा मत करो। अब कहा भयो वो देना आयो, वो ठाकुर जी के चरणों में माथा झुकाए के बोले आप यो मेरे तो दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और पुजारी ने कह दी चिंता मत करना, जिसका भगवान बजाता है ना फिर उसकी कोई बिगाड़ नहीं सकता, चिंता मत करना जाओ। इधर ठाकुर जी ते पुजारी ने कही कि मैंने आपकी सेवा करी होए तो आज मेरे भगत को शिष्य था उन्हीं का पुजारी जी का, आज मेरे भगत की रक्षा करना। और खसी माल मूरत मुस्कानी, विनय प्रेम बस बही भवानी। ठाकुर जी के मन में ऐसी बात आई कि आज मेरे भक्त की परीक्षा है, हारने नहीं दूंगा। पुजारी जी ने प्रार्थना करी और वो भी चरणों में रो करके प्रार्थना करके गया। जज ने कहा साहब कोई गवाह आप लाए? बोले साहब मैं तो रघुनाथ जी गवाह हैं और कोई ना दुनिया में मेरो। वो जो आवाज लगाता है ना उसने कहा रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हैं का? सो पीछे थे एक बड़े बूढ़े से आदमी ने यू हाथ ठाड़ो करो, हाँ जी हम हैं, और लठिया के सहारे ते डगमगाते भये। बोले कटघरे में आओ गवाही देनी आपको। बोले जी साहब। अब कटघरे में आए और गवाही देवे के लिए जज ने कहा कि इन्होंने इससे उधार पैसे लिए थे तब तुम थे? बोले थे। बोले इन्होंने जब चुकाए थे तब तुम थे? बोले थे। अच्छा
तो इन्होंने इनको कोई सबूत के रूप में पर्ची दी थी? बोले दी थी। तो बोले वो पर्ची कहां है, आपके पास है? बोले मेरे पास नहीं है साहब, सेठ जी की अलमारी में 330 नाम नंबर पेज के और डायरी के बीच में वो पर्ची धरी है, निकलवा लो। घर दूर नहीं था, सिपाही सीधा भेजो भाई, अलमारी में वो रजिस्टर और बाम सो है पूरे साइन के साथ, हमारा तुम्हारा हिसाब किताब बराबर हुआ। अब क्या हुआ, वो केवट तो रो रो के बड़ा बुरा हाल के, ठाकुर जी मैं आपने बेदाग बचा लिया। अब इधर क्या हुआ कि वे तो गवाही दे के तो ताली बज गई, वो बाजत बरी है गए और महफिल उठ गई, लेकिन जज जो है पीछे होके बड़े बूढ़े ढूंढने लगे कि ऐसो गवाह इतना कॉन्फिडेंट मैंने आज तक नहीं देखे। सो वो तो गवाह तो मिलो नहीं, वो केवट मिलो। बोले भैया वो आपके जो गवाह थे उनसे मिलना है। बोले यहीं कहीं होंगे। बोले मैं ढूंढिया पूरे में कहीं है नहीं। बोले तुम्हारे तो गवाह हैं, तुम तो जानते होंगे। बोले हाँ हाँ, वो मेरे परिचित हैं, मैं उन्हीं की शरण में रहता हूँ। तुम्हारे गांव के ही हैं? बोले हाँ गांव के ही हैं। तो इनका मकान? बोले मकान नहीं है, इनका मंदिर है। तो जज ने समझी कि जिन्हें कोई मंदिर बनवाया हो। तो बोले मंदिर तो बनवाया होगा लेकिन मकान? बोले नहीं, मंदिर ही इनका मकान है। बोले मंदिर ही मकान है? तो बोले ये मंदिर में रहते हैं? बोले हाँ हाँ, पूरा गांव इन्हीं की सेवा करता है, इन्हीं के दर्शन करता है, ये मंदिर में ही रहते हैं। सो जज समझ गो। बोले तुम जो तुम्हारे मंदिर में जो ठाकुर जी उनकी बात कर रहे हो क्या? बोले वो हाँ वही रघुनाथ जी हैं, मेरे तो दुनिया में और कोई है ही नहीं। अब बात जज को जो है ना हृदय फट्यो। भक्त था भगवान का, पहले से ही घर में पूजा पाठ भी करता था, भगवान की कृपा से जज बना था वो। अब कहा वो घर में जाके वो रोवे, घर में जाके बाकी घरवारी परेशान बन, वकील बुलवाए, वो कुछ बोले नहीं, रोवे ही रोवे। वकीलों ने कहा कि तुम जज होकर के ऐसे करो, क्या बात है, बात तो बताओ। तब वकील जज ने कहा कि आज मेरी अदालत में भगवान आए, आज मेरी अदालत में भगवान आए। तो बोले ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि भगवान आए, तो रो क्यों रहे हो, का दर्शन नहीं भाई? बोले दर्शन हूं भाई। बोले फिर क्यों रो रहे हो? तब जज कहता है रो करके कि मैं रो इसलिए रहा हूं शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुए ध्यान न आते रहे। आज कौन आए थे जो शेष महेश दिनेश गणेश जो इनके भी ध्यान में ना आए? बोले फिर इसमें तुम्हें रोना क्यों आ रहा है, रोने की क्या बात है? सोई विनीत अदालत में के बटा के गवाह कहते रहे। केवट के बागो न कपड़ा अच्छे, न बागो मोह अच्छा, न बा क्या तुम देखोगे तो आश्चर्य, सब वकीलों से कह रहा है। लेकिन उसके लिए ठाकुर जी कटघरे में आए तो बोले तुम्हें तो दर्शन हो गया, खुशी होना चाहिए, तुम रो क्यों रहे हो? तब वकील जज कहता है कि धो दुख सुख धो के दरस दिए को भयो, दुख नाहीं जो
मुझे धोखे में भी दर्शन हो गया, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और मुझे छोड़ के चले गए, मुझे जऊ को कोई दुख ना है। बोले दुख काय बात को, बाय तो बताओ जज साहब। तब बारे कही दुख जा बात को है। मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। जब मैं छोटा सा स्कूल में जाता था तो सर आते थे तो मैं खड़ा हो जाता था। मैंने कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। लेकिन आज मैं जिनकी घर में रोज पूजा करता हूं, मैं जिनका भोग लगाता हूं, जिन्हें दंडोती प्रणाम करता हूं, आज वे नीचे खड़े और मैं कुर्सी पे जज बना बैठा रहा। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। अब मैं यदि उनके दरबार में कभी गया तो कौन से मुंह से मुंह दिखाऊंगा कि मैं इतना बड़ा लाट साहब है गो कि भगवान नीचे खड़े और मैं कुर्सी पर बैठे रहे। मैं अब इस दुनिया में जीऊंगा नहीं। उसने जज ने घर छोड़ दिया और वो वृंदावन आ गया। वृंदावन में भिक्षा मांग करके और भगवान का नाम जप और भगवान के श्लोकों का गान करते हैं। लेकिन संतों के साथ घूमते हैं टोली में, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं जाते। किसी ने कहा कि अरे बांके बिहारी जी के मंदिर से निकल रहे, अंदर चलो ना। बोले मियो मोहजा लायक ना, क्योंकि मैं उनसे उनके सामने कौन से मोहते जाऊं, क्योंकि वो मेरे दरबार में आए थे और मैं ऊपर जज बन के बैठा रहा है। क्या अब सचमुच में मियो मोहजा लायक है कि मैं इनके दरबार में जाऊं? अब मैं जाऊंगा नहीं। इसलिए ये जो बाबा है ना, ये जज की कुर्सी को ठोकर मार के आए हैं, इसलिए इनका नाम जज बाबा है। सुख धो के उदरस दिए को भयो, सुख दुख नाहिं जोत जाते रहे, सुख शारद नारद से सगन सहु के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में के बटा के गवाह कहते रहे। दुख इस बात का कि कुर्सी पे बना जज मैं बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। भैया ये जज बाबा तब से मंदिरों में नहीं जाते। बोले अब ये मुंह उन्हें दिखाने लायक। उन्होंने पूछ लिया मुझसे कि तू भूल जाएगा, तेरी अदालत में मैं गया था, हैं?
और तू कुर्सी पे देने के उठिबो तो दूर रहो, हल्या नहीं है तो हैं? तो मैं कौन से मुंह से जवाब दूंगो। बात इस पे चली थी कि भगवान बड़ा से बड़ा दुर्योधन के यहां कहते हैं कि हा हा दुर्योधन बांध मुझे, और यहां एक केवट के गवाह के रूप में लठिया पकड़ के अदालत में गवाह बन करके पहुंच गए। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, सबरी की तरह से खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह से बुलाते नहीं। अणोर अणियान महतो महियान, लेकिन इसके लिए भाव की जरूरत है प्यारे। और भाव कहाँ मिलता है? कलसाना में नहीं, ब्याना में नहीं, सूरोट में नहीं, जयपुर में नहीं। भाव जो है दुनिया में केवल मिलता है तो भगवान की कथा पांडाल में। और जब भाव प्रकट होता है तो भगवान गवाह बन करके ही नहीं, भिखारी बन के भी आ जाता है। सुनी री जसोदा मैया तेरो ये कन्हैया मेरी आगे पीछे, और आगे पीछे डोले मोते मीठो मीठो बोले हैं। यशोदा के उस बर्तन को तोड़ दिया जिसमें यशोदा की आसक्ति है। भगवान कहता है कि मेरे से जो चीज अलग हटाएगी तुझे, मैं उस चीज को तोड़ के रख दूंगा, क्योंकि मैं अपने से दूर जाने नहीं दूंगा, क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरा हूं। मैया के पास खुद चल करके आए, जब मैया ने डंडी फेंक दी तो मैया ने उखल से बांध दिया। दुर्योधन से तो कह दिया था कि हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, और मैया से खुद बंध गए नेकसी सी रस्सी में और उखल से बांध दिया। भगवान ने उखल को गिराया और दो पेड़ थे वहां, जो पहले जन्म में कुबेर के पुत्र थे नलकुबर और मणिग्रीव, नारद जी के श्राप से वृक्ष बन गए थे। फिर जब चरणों में गिर पड़े तो नारद जी ने कहा तुम्हें भगवान आएंगे और वो छुएंगे सो ही तुम्हारा उद्धार। तो भगवान ने सोची बैठे थे बेगारे वली, बोले चलो बंदेव बंदेव कछु कर लो, कहो संत के श्राप को और वरदान को पूरा कर दे। नारद जी का वरदान था कि तुम्हारा भगवान छू करके उद्धार करेंगे। उखल गिराया और पेड़ के बीच में फंसायो, और भगवान ने एक झटका दिया सो दोनों पेड़। भैया भगवान की अनेकों लीलाएं, बड़ी बड़ी लीलाएं, लेकिन मैंने छांट छांट के बामे ते नेक नेक बानगी के रूप में तुम्हें चखाई हो, चखाई भी आया हूं ना पहली बार, तुम्हें चखाई है वहां पे। मैं आपको एक दो लीला और बताता हूं। भगवान ने मिट्टी भक्षण किया और भगवान ने बकासुर और अघासुर, अगमाने होता है पाप, भगवान ने अगासुर जो था ना ये कंस का भेजा हुआ, भगवान इनको बच्चों को खाने आया था, भगवान को भी खाने बड़ा मुंह फैला दिया, भगवान जीव निकाल दी बड़ी अच्छी लंबी चौड़ी। अब जो जीव थी वो ऐसे लग रही जैसे डामर रोड, लेकिन रोड जो है ना ये तो डावर है, लेकिन वो लग रही गुदगुदी सी बड़ी बढ़िया। सो ग्वाल वाल सब बोले लाला ए ग्वाल वालो अयो देखो जो रोड कहाते रात रात कई दिन पहले आई तो नहीं हती। बोले जी भगवान की लीला है कछू चलो देखते हैं का है। सो रोड पे कूदन लगे, और कूदन लगे तो कूदत कूदत मोह की तरफ गए, अंदर जाने लगे। भगवान ने जो है आवाज लगाई अरे भैया अंदर मत जाओ खतरा है, लेकिन माँ तो बड़ा स्वाद आ रहे कूदवे में है।
अपने शोरगुल में भगवान की आवाज नहीं सुनी। अक्सर करके ये ग्वाल वालों की बात नहीं, हम सब की बात है। हम संसार की चकाचौंध में, संसार के शोरगुल में न तो आत्मा की बात सुनते हैं, न परमात्मा की बात सुनते हैं, और न महात्मा की बात सुनते हैं। ऐ बोले जी तो बकता ही रहता है, अपनो कन्नो काम तय करो। आत्मा भी हर समय टोकती है हमें कि ये काम ठीक नहीं है, परमात्मा भी टोकता है, लेकिन ये ग्वालवाल तो भगवान के भरोसे आते, लेकिन हम लोग तो भरोसे भी नहीं होते। अब जब ये बाइक मुंह के अंदर घुसन लगे तो एक सखा बोले, भैया जी खूंटी सी काय की गड़ी है, समझ गए काय दांत। तो एक जन बोलियो, अपन टोसा लेके आए ना, अपने अपने अचार मिर्च और रोटी छन्ना में बांध के, पहले छन्ना चलता है, भात फातन में स्वापी मिलती लाल लाल, वे काय काम आती, रोटी बांधवे की छन्ना है ना। सो वो छन्ना में बांध बांध के रोटी ले गए, बोले जी बढ़िया टांगवे के, टांग दियो अपने अपने। सो सवन ने टांग दे। अब जो है बा अगासुर ने ऐसी सांस खींची भीतर से, सब खींचे के खींचे चले गए भीतर, वहां में अंधेरो। उन्होंने जोर से पुकारा, लाला बचा, लाला बचा, लाला बचा। भगवान ने कहा, पहल तो हमारी तुम नहीं सुन रहे हो, तुम्हारी हम क्यों सुने। लेकिन भगवान ने सोचा कोई बात नहीं। भगवान कहते हैं कि कोट विप्र बदला गई जाहू, और आए शरण तजहू नहीं ताहू। भगवान भी अंदर चले गए। अब वाने देखी कि जीव आगो जाए, जी तो मान लो मुख्य, तो सोई वाने मोह बंद करी हुई कोशिश करी, और भगवान ने अपना रूप बढ़ाया दुर्योधन के यहाँ की तरह, और सोई बा को पेट फट गो, और सब सखा बाहर आए गए। अब निकल के आकाश मंडल में देवताओं ने जो है ना ढोल नगाड़े बजाए अगासुर के नष्ट करने पर। ढोल नगाड़े बजे, फूलों की वर्षा कर रहे थे देवता, ये आवाज ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक तक गई। उन्होंने निकल करके देखा कि भाई का बात है जी, काय की आवाज आ रही है। सो देवता लोग फूल बरसा रहे, बोले ओहो ब्रह्म का अवतार हुआ है ये उसके ऊपर। बोले चलो ला ब्रह्म की लीला हम देख लें, ब्रह्मा जी देख भी आगे। अब जब ब्रह्म की लीला ब्रह्मा जी देख भी आए, तो भगवान जो लीला कर रहे थे ना, उस लीला में भगवान ऐसी लीला कर रहे कि सवन ने अपने टोसा लेके आए ना, वे टोसा निकाल के लाए, खुंटी ने पहते उतार उतार के, और वाम एक अपने एक दूसरे में बांट बांट के, भैया तू पे काय को अचारो, बोले मुंह पे मिर्च को है। अच्छा बोले दाद तुम अचार मिर्च को दे दा, बोले तो पे काय को है, बोले टेंटी को, बोले ला चार टेंटी मोह दे। तो आपस में मिल बांट के, एक जो है पंडितानी को छोरा हो, गरीब पंडितानी थी मधुमंगल, अब वो जो है बादना कड़ी बना के लायो, लेकिन लेट है वो बेचारा कूलरी में, मटकी में कूलरी में लेके आयो। सो दूरते ही बाने देखी कि ये तो सब मुँह लगते बैठे एक संग खावन लगे, तो अब चलो बाबू जाए वो ठीक ना है बिघन पर है वो, बे अपनी खा लें और मैं अपनी कड़ी पी लूँ। अच्छा भगवान ने जैसे ही टूका तोरे, उस बात याद आ गई कि वो भाई आज हमारा मधमंगल कहाँ है। एक जनों बोलियो कि आज आयो ना है, तब तक एक ही निगाह पड़ी, देखो पेड़ की बगल में दिख रहा हूँ कुछ ऐसा कुछ पी रहा है। सो सब भाग पड़े। अब्बा मधमंगल ने देखी कि सब मेरी तरफ भाग रहे हैं, को मेरी कड़िया नहीं छुड़ा ले जाए। सुबह ने जोते गटक गटक कछु पी कछु फैलाई है, और जैसे ही भी आए तब तक पूरी पी की मटकी फेंक दी सुबह के टुकड़ा टुकड़ा। ब्रह्मा जी जा लीला देख रहे हैं। अब ब्रह्मा जी की वेदों के अनुसार जो परिभाषा है वो ब्रह्म की परिभाषा अलग है, और ये प्रेम की लीला है। अब वे बा नापते नापेंगे तो ब्रह्म उसमें फिट बैठेगा ही नहीं है, क्योंकि ये वृंदावन को ब्रह्म है और उनको वेदन को ब्रह्म है। अब भयो कहा कि जैसे ही वो कूलरी फेंकी,
लाला पहुंचो। लाला ने कही, चौरी मद मंगल तू बहुत बेकार आदमी है, रोज तो हमारी में तो तू खामतो और आज पहली बार तो जिंदगी में ले के आयो और बहु में तेने काऊ चखायो नहीं, पर हम ऐसे हैं मानेंगे नहीं। ए सखाओ गाल वालो जी, जितनी जो ठीपुरी है ना जाम जाकी कड़ी चुपट रही है बेसन जाए बीन बीन के सब चाट के देखो कैसी जाए, खट्टी है कि मीठी है। अब सब जब सखन ने वो बटोरी तो एकदम बटो ऐसा बनो एकदम फिक्स न ज्यादा। एक जनो बोले, लाला तो क्यों ना बची? बोले मेरी चिंता मत करो, मौका जो तो आगे मोहड़े पे बहुत चुपट रहा है, मैं तो जइए चाट लूंगा। अब जैसे ही भगवान ने वह मधुमंगल को मोहड़ो चाट्यो, सोई ब्रह्मा जी की घोपड़ी खराब। बोले ये ब्रह्म नहीं हो सकता। बोले जी जाए जाए इतना पवित्रता अपवित्रता को जाए बोधना है, और जी कैसो ब्रह्म है मुझे नहीं लग रहा। एक बात बताऊं, भागवत जी के बारह बारह और ग्यारह, दस बारह और ग्यारह श्लोक में एक बड़ी प्यारी बात कही है, यानी दसवां स्कंद बारहवा अध्याय और ग्यारहवा श्लोक है। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवते माया श्रितानां। बड़ी प्यारी बात यहां कही कि जिस परमात्मा को बड़ी बड़ी श्रुतियां स्मृतियां यति भी पा नहीं सके और वो ग्वाल वालों के संग में ऐसे खेल रहा है और ऐसे आचार मांग रहा है, कितना सौभाग्य है इस भगवान के सखाओं का है। ये इन सखाओं को कैसे मिला होगा ये आनंद? ये सखाओं का जो आनंद है ये कहने लायक नहीं है। यत पाद पान सुर बहुजन कृच्छतो धृतात्मभिर्योगिभिरप्यलभ्य स एव यद्दृक् विषयः स्वयं स्थितः किं वर्ण्यते दिष्टमतो व्रजकषः। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जो न वाणी का विषय है न बुद्धि का विषय है न मन का विषय, और जिन ग्वालन के अगार तो जिनकी आंखन को विषय है, रोय उंगरियन को विषय है, रोय इंद्रियन को विषय है, रोय है, ऐसा क्यों? जापे कृपा ईरा की हो तापे कृपा करे सब स एव यदृग विषयः। दृग विषय नैनों का विषय हो गया, जो नैनों से परे है। मत ने लखे जेहि मत लखे सो में शुद्ध अपार, जिसे बुद्धि नहीं देख सकती जो बुद्धि को देखता है, और आज उसे बुद्धि भी देख रही है, मन भी देख रहा है, आंखें भी देख रही हैं। कितनी कृपा इन ग्वाल वालों पे है कि अचार मांग मांग के खा रहे हैं। भैया भगवान ने इन सब ग्वाल वालों को जो आनंद दिया, इधर ब्रह्मा जी की बुद्धि खराब भई,
और ब्रह्मा जी ने परीक्षा ले के लिए ग्वाल वालों को ले गए ब्रह्मलोक में, और उस ब्रह्मलोक में कथा लंबी पड़ रही है, मैं सूक्ष्म करूं। कुल मिला के ब्रह्मा जी को थोड़ा आनंद चखाया उन्होंने, यानी ब्रह्मा जी को रूप बना के पहले ही ब्रह्मलोक में पहुंच गए, और द्वारपालन से कह दई कि सुनो भैया, कोई नकली ब्रह्मा आवे तो पहले बढ़िया तरह चटनी बनाइयो, आगी धुनाई करियो, बाकी बाद मेरे पास आइयो। अब नकली तो खुद ही है, अब जिन्हें लोग समझ गए असली, और जो असली आवे बाका समझेंगे। अब असली ब्रह्मा जी आए, सो द्वारपाल ने अपना भालो लगा दिया, बोले ब्रह्मा जी देखने लगे, मोते कर रहे हो, आए पागल हो गए हो? बोले पागल हमने आ गए, तू है गोए। अब ब्रह्मा जी खोपड़ी पकड़ने लगे, इनको क्या हो गया? अच्छा बे जो थे पहले द्वार पे जो खड़े थे, बे गुजरात के थे द्वारपाल, ने सीधे सादे है, ज्यादा वैसे नहीं आते। दूसरे गेट पे जो हतका भी भत्तपुर के हतए, बे लड़बे को तैयारी डोलते, बिना तो मौको मिल जाए, हैं? बे भरतपुर के हतए, गुजरात का आदमी जल्दी से लड़ता नहीं है, एक आद कोई कह जा तो कह जा, कोई ले जा तो ले जा, हैं? और भरतपुर ने कहा अलग है, भरतपुर जा बात पर है तो है, हिम्मत कैसे बाकी है कि कह गो, हैं? अच्छा लोहागढ़, तभी तुम लोहे से दिख रहे हो, हैं? भरतपुर का दूसरा नाम लोहागढ़ है, हैं? तो यहां तो लोहे टकरावे को। सो जो भरतपुर थे गए दूसरे गेट पे थे, सो माँ जैसे ही ब्रह्मा जी गए, सो बिन्न नहीं पूछा ताशी करी, बिन की हाथ सेक लो पहले, हैं? सो ब्रह्मा जी पकड़े, सो दे पकड़ के दे 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 सुजा दे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले नेक रुको, मैं सुनो तो सही, बोले सुनेंगे बाद में, ऊपर तो ऑर्डर हो पहले। ब्रह्मा जी ने कहा भाई तुम हमें क्यों मार रहे हो? बोले तो जैसे नकली बहरूपिया बहुत डोल रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले यदि मैं नकली हूं तो असली कहां है? बोले भीतर। अंदर लेके गए तो वहां ब्रह्मा के रूप में ठाकुर जी बैठे, लेकिन ब्रह्मा जी को ठाकुर जी दिखाई दे रहे और सबको ब्रह्मा जी दिखाई दे रहे। सो ब्रह्मा जी समझ गए कि मुंह पे गलती, पावन में गिर पड़े। सो जो पहरेदार हतकाए भरतपुर वाले, सो बोले देख ले हतवा नकली, गिर पड़े हो पावन में, हतवा नकली। उन्होंने जो है प्रार्थना करी, स्तुति करी, क्षमा किया। उसके बाद जो है अब का भयो जी जान लगे और बे दूसरे गद्दी पे बैठन लगे। अब बे जो लोहागढ़ के हतकाए बिन के दिमाग को चक्कर पर हो, बोले जी तो सरकार बदल रही है, और सरकार बदलती है तो पहले जिनने ज्यादा अपना लोहोपन दिखायो का हो, ज्यादा लोहागढ़ के बनने का है। अब बिन को पसीना छूटो, हैं? अब बिन के दिमाग में आई कि अब यदि ईडी आई तो का होगो, यदि अब जांच बैठेगी अब का होगो। तो बे तो जो है भगवान के पावन गिर पड़े कि अब हमार तो कजू कट जाओ, तुम तो जा रहे हो पर हमने जिनके जो दय कहा है और जी मुंह पे बदलो, हम पे बदलो लेंगे। तो भगवान ने कही कि सुनो ब्रह्मा जी, इनकी गलती नहीं है, वो मेरी इच्छा से हुआ है, मम इच्छा कह दीन दयाला, मेरी इच्छा से, इनसे कुछ मत कहना। अब ब्रह्मा जी बड़े भीतर थे, क्योंकि जाने बिना बात मारे हुए, अब वो सामने परे वो तो का हो। ब्रह्मा जी ने कहा ठाकुर जी, जिन्हें मैं एक बात नहीं सुनी, मोए बड़ो परेखो रहेगा, कम से कम मैं सुन तो लेते, मारते तो मार लेते पर मेरी बात तो, पर जिन्हें मेरी बात नहीं सुनी। तो ब्रह्मा जी ने कही असली ने कि ठीक है मैं क्षमा तो कर दूंगा पर जिन्हें गेट पे नहीं राखूंगा। बोले काय? बोले जब जब नहीं करूंगा वो मुक्का आ जाएंगे,
तो मामला गड़बड़ है जाओ। तो यूं करके ब्रह्मा जी को सबक सिखाया। उसके बाद भगवान ने जो है गेंद की लीला की, कालिया नाग को नाथा। और कालिया नाग को नाथ करके, ये कालिया क्या है, ये जो जमुना जी में जहर घोलता है, जो जहर घोलता है काय में, यमुना जी में, यमुना क्या है, कर्म। तो भैया कालिया नाग वे हैं जो कर्म में जहर घोलें, धर्म में जहर घोलें, परिवार में जहर घोलें, गांव में जहर घोलें, पानी में जहर घोलें, मिट्टी में जहर घोलें, समझ रहे हो ना। ये जितने जे बीड़ी पिए तक हैं सवेरे सवेरे वायु में जहर घोल रहे हैं, कालिया नाग हैं, फुकार रहे हैं, सवेरे सवेरे फुकारेंगे। और कालिया नागन कछु लोग जहरों प्याय रहे हैं, बाद ना कलश यात्रा निकल रही तो कछु चाय बांट रही, कछु बीड़ी बांट रही, ले साल ले। हम तो कछु बोले नहीं, मैंने कि मोह तो अब साधना काटने का झंझटम पर हो जा। और कछु तो मेरे ही बिल्कुल रथ के पास में आए के न्यू जरा के मुंह में फूंक दें। मैंने कि भैया जी जो राम निवास जी ने अच्छे फंसाया, हम अपने गाड़ी में भीतर होते तो काच बंद, तो अब यार रथ पे तो न काचो तो न कछु मे बगल में ही। तो जो वायु प्रदूषण फैलाते हैं, जल प्रदूषण फैलाते हैं, मिट्टी प्रदूषण फैलाते हैं, और सबसे खतरनाक है वैचारिक प्रदूषण। भैया भैया में, बाप बेटा में, माँ बेटा में, बहन में, देवरानी जेठानी में जो दरार डालवे को प्रदूषण फैलावे, काउदना बाके फने भगवान कुछ लिंगे, जा बात है लिख लियो। उसके बाद भगवान ने जो है गिरिराज जी की पूजा कराई। इंद्र नाराज है, गो इंद्र ने जो है मेघों को बुलाया और कहा जाओ जा ग्वाला ऐसो मजा चखाओ कि जिंदगी में जो भूल जाए मोते पंगोल है वो। सो मेघ मालाएं छोड़ दी। 7 दिन तक जो है भगवान ने गोवर्धन को ऊपर उठा के रखा, इंद्र आकर के चरणों में गिर पड़ा। और फिर गिरिराज जी नीचे धरे, फिर सब लोगों ने मिलके परिक्रमा लगाई। आप लोग तो परिक्रमा लगाते होंगे, हाथ खड़े करना किस किस ने परिक्रमा लगाई अपने जीवन में। वो जो तो सबके सब है भैया, नीचे कर ले जाना कोई बचो। क्योंकि अच्छा जो जो गिरिराज जी है ना, हमारे देश में 2 पर्वत हैं जिनकी परिक्रमा लगती है, एक गिरिराज जी और एक चित्रकूट, ठीक है। और ये दोनों पर्वत ऐसे हैं जो 2 राज्यों में पड़ते हैं। हमारे गिरिराज जी आधे यूपी में और थोड़े से हैं राजस्थान में। और राजस्थान है कौन से जिले में, दीगम है ना, पहले भरतपुर में, तो पहले रहे होंगे, अब कहीं बनने बॉस। हाँ पहले रहे होंगे, डीयू तो अब बने हुए हैं। अच्छा डीग जिलो बन गए हैं, तो डीग में चले गए ना, तो तुम चुप बैठो भरतपुर भाई। अच्छा एक बात बताऊं, मैं गिरिराज जी जाता हूँ परिक्रमा देने जाऊं या वैसे घूमने जाऊं, तो मैं एक काम जरूर करता हूँ। अचंभे की बात बताऊंगा आपको, वैसी नहीं है, अच्छी है। इधर यूपी है उधर तुम्हें पेठो मिलेगा, लस्सी मिलेगी, सब कछु मिलेगा, इधर यूपी है, लेकिन रावड़ी नहीं मिलेगी। और जैसे ही राजस्थान में आएंगे हैं, और गोवर्धन को बहुत लंबो चौड़ो ना है, राजस्थान में आएंगे जो बड़ी परिक्रमा में घुसता है ना, हैं सुबह कोने पे तुम देखोगे तो रावड़ी जो है बेचे वारी गिलास बोले क्या कहो दसको। मैं तो बा कोने पे जरूर जाता हूं, और कहूं जाऊं चाहे न जाऊं, वहीं से पता चल जाता कि राजस्थान है। एक बार पहली बार जब मुझे मिली तो मैंने कि यार गोवर्धन में जो कांपती आएगी रावड़ी, तो मेरे संगे के जनों बोले गोवर्धन में ना आए जी राजस्थान में है। मैंने ये तो हत तो गोवर्धन हो, पर बोलो गोवर्धन तो है पर है राजस्थान में,
हैं। तो ये दोनों जो गिरिराज हैं, चित्रकूट और गोवर्धन, ये दोनों दो राज्यों में हैं। और इन दोनों की परिक्रमा, इन दोनों की पूजा की जरूरत नहीं है। केवल गोस्वामी जी ने लिखा है, हैं, यूपी में कछु तो हिस्सा और थोड़ो सा हिस्सा जन काय में हो, एमपी में, यानी एमपी में के मध्य प्रदेश में पता होना है, हम तो जिनते बता रहे। हाँ, तो थोड़ा सा हिस्सा एमपी में और यूपी में है। लेकिन मैं आपको एक बहुत प्यारी बात बता रहा हूं कि ये जो गिरिराज जी, इन दोनों पे भगवान जो है अपनी लीलाएं करके गए हैं। चित्रकूट में राम और गोवर्धन में श्याम है, दोनों ने लीलाएं करी हैं। उनके चरणों का स्पर्श पाने से ही ये दोनों गिरिराज इतने महान बन गए कि इनका दर्शन करने मात्र से, चौपाई सुनिएगा, कामद गिरे भय राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। शब्द समझना, कामद, काम सारी मनोकामनाओं को देने वाले, पूरी करने वाले कौन हो गए, गिरि, कामद गिरि भय, बोले कहते हैं गए राम प्रसादा, राम की कृपा से। और बोले कन्नो का पर है कामना पूरी करवे के लिए, बोले अवलोकत, केवल दर्शन करो, है घूमते रहो, परिक्रमा लगाओ, दर्शन करो। अवलोकत बोले बात क्या करेंगे, अपहरत विषादा, जितने भी पाप हैं, दोष हैं, संकट हैं, उन सब का क्या कर लेते हैं, अपहरण। अवलोकत अपहरत विषादा। गिरिराजी में जब जाओ तो एक तो रोड की परिक्रमा है और एक है तलैटी की। मैं तो जब भी जाता हूं तलैटी की परिक्रमा में, अच्छा सुनो भैया, काऊ पे पैदर लगे तो पैदर लगाओ, पैदर न लगे तो काऊ में बैठ के लगा दो, कोई दोष नहीं है जामे, क्योंकि भगवान भाव का भूखा है, तुम्हारी मेहनत का नहीं। अच्छा क्या ऐसे कर लो, करो जितनी देर पैदल चले हो जाए उतनी देर बोलो भाई, बाकी बात काऊ बैठ जाओ, पूरी कर लो, है ना, कोई जाम दो सुनाए भाई, भगवान ने हमारा शरीर जैसो बनायो है, काऊ को है पूरा चले वे लाए, काऊ को नहीं है तो। लेकिन जो कछु लोग ऐसे होते हैं ना, बुने की बात मत सुनना, वो जो तुम काऊ बैठ के परिक्रमा लगा रहे हो तो भी कहता है ऐसे बैठ के परिक्रमा लगा भी तो क्या फायदा, जो तो ऐसे समझो, एक आदमी खाट पर बैठ के भजन कर रहा हूं, सो तो बोलो ये को आए के लोहा गढ़ को तुम नयो नाम और दिमाग में दद दो, लोहा गढ़ को आके बोले चौरे खाटे बैठ के भजन कर रहा है, बोले हमें भैया खाटे पे कर रहा हूं, बोले खाटे बैठे कोई भजन करता है, तो बानी पूछ तू कहाँ करतो है, बोले मैं तो कहूँ ना करतो, तो बोले तो लागुनो बढ़िया हूं है, तो जो नहीं जा रहे हैं नहीं करते हैं उनसे तो बढ़िया है ना। हाँ, तो भैया तलैटी की परिक्रमा में गिरिराज जी की शिलाओं के दर्शन करते हुए, संतों से मिलते हुए, संतों के साथ में सत्संग करते हुए और परिक्रमा देनी चाहिए। परिक्रमा में मोबाइल को बंद कर लेना चाहिए और भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और नहीं हम लोग क्या करते हैं, परिक्रमा चल रही है और मोबाइल कान पे धरो है, तो अब शरीर ते परिक्रमा में मनते तो भैंस धो रहो है, मनते तो भैंसे सानी दे रहो है ना, हाँ, तो तन और मन दोनों गिरिराज जी में होने चाहिए। और एक बात बताऊं भैया, गिरिराज जी की पूजा का जो आध्यात्मिक अर्थ है वो ये है, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय तीनों एक हो जाए, ध्याता ध्यान और ध्येय तीनों एक हो जाएं,
भक्त, भक्ति और भगवान तीनों एक हो जाएं, तब समझना कि गिरिराज जी की पूजा असली अब भई है, परिक्रमा असली अब लगी है। मैं और तुम गर हम हो जाए, मैं और तुम गर हम हो जाए। एरी मैया ये काहू को लल्लुआ के जन लाली खो गई है, अब पता ना जी खो गई है कि जाकी मम्मी खो गई है। पर देखो हमारे राम निवास जी ने बहुत बड़ा मेला लगवाया है, जहां ऐसे खोए वो जरूरी है, यदि बालक नहीं खोए तो मेला ही काहे का है। एक मैया ठाड़िए मां पहुंचा दो, ए मैया तुम्हारी खोई है ना, हाथ ऊपर करो खोइयो तो, ए इधर से देख, इधर से, इधर से देख, अब देख ही ना रहो। हैं मैं पहुंचा दे, मैं और तुम गर हम हो जाए, दर्द दिनों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाए। वो रघुराज महाराज की ऐसा ना भैया जोर से बोलो, पूछरी के लौटा की अकेले, पूरे पूरे जोर लगा के कल की तरह है। हाँ अब आनंद आयो, लगाओ लगाओ दो चार लगाओ, क्या बात है। जी भैया कुछ नयो कह गो तो का कह गो धूं। अच्छा यहाँ की कछु अपनी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब नाचेंगे गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएंगे, ठीक है, नाची वारी खड़े होंगे, बाकी सब बैठी रहेंगे, माताएं बैठी रहेंगी, और आदमी लोग जो जान चाहें वे प्रसाद जल्दी ले लेके अपने अपने घर। संकट मिटी जाए, ओ मिटी जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए।
क्योंकि राज महाराज की जय।